हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ पालक और ओट्स के चिल्ला। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप 3 to 4 ईजली खा सकते हैं। और एक ये एक लो कैलोरी फूड है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि पालक को बहुत अच्छे से वॉश करके, पूरी डस्ट निकाल के आपको उसे गरम करना है, यानी कि तब तक उसे बॉयल करना है जब तक वो नरम ना हो जाए। और आपको जितनी क्वांटिटी लेना है उस क्वांटिटी के हिसाब से आप पालक लीजिए। और आपको चाहिए लगभग 4 to 5 गार्लिक्स और लगभग आधा इंच आपको जिंजर चाहिए। और यहाँ पे मैं एक कटोरी ओट्स ले रही हूँ और ये अनफ्लेवर्ड ओट्स हैं, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, प्लेन ओट्स हैं। तो आप फर्स्ट इसे रोस्ट करिए विदाउट ऑयल, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ कढ़ाई में इसे डाल के जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए आपको इसे भूनना है। और अगर आप इसे डेली यूज़ में अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं तो आप इसे भून के पीस के अपने किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, पालक में मौजूद मिनरल्स शरीर के पीएच लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। पालक में प्रोटीन भी अधिक होता है, जितना आपको मीट में प्रोटीन मिलेगा उतना ही आपको पालक खाने से भी मिलेगा। हाई प्रोटीन खाने वालों को प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पालक वजन कम करने में भी बहुत सहायक है क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती हैं, साथ ही प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। तो इसीलिए मैं इस डिश में पालक का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आयरन भी बहुत होता है फ्रेंड्स, तो कोशिश करिए कि आप भी, और ठंड है तो पालक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही फ्रेश मिलेगी आपको मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में पालक को यूज़ करिए। और ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है ओट्स को, और आप इसे किसी भी बाउल में ले लीजिए। और ये देखिए, मेरी पालक भी मैंने डाल दिया, लेकिन आप ध्यान से इसको ठंडा करके तभी पीसिएगा। और इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक डाल लिया है, अपने जितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप हरी मिर्च इसमें डाल दीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसे ठंडा होने पर ही पीसें और इसका पेस्ट इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सेवन से हम बिना दवाई लिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की जानकारी के अभाव में हम इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अधिक जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और उनका सेवन करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और आप जो जिस पानी में मैंने पालक बॉयल की थी, आप कोशिश करके उसी वाटर को इसमें ऐड करिए, तो इसमें आपको ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे क्योंकि वो वाटर भी बहुत बेनिफिट है, तो बेनिफिशियल है। तो इसके बाद क्योंकि ओट्स बहुत जल्दी जमता है तो आपको थोड़ा सा इसमें पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगेगी, तो मैं नॉर्मल पानी ना यूज़ करके पालक का पानी ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इतने में मैं 2 चिल्ला बनाऊँगी। और इसके बाद आपको इसमें सॉल्ट डालना है, अजवाइन डालना है, और ध्यान रखिएगा कि आप रॉक सॉल्ट का ही यूज़ करिए। ये देखिए, मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ लगभग 1/2 टेबल स्पून, और रॉक सॉल्ट को ही यूज़ करिए अपनी लाइफ में, वो लो सोडियम होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं रॉक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, और जितना हो आपका टेस्ट उतने इतने हिसाब से आप नमक लीजिए। और इसके बाद मैं इसमें फ्लैक्स सीड डालूंगी। फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस में, और ये हमारी स्किन को भी ग्लोइंग करता है, तो आप अपने फूड में फ्लैक्स सीड ज़रूर, ये देखिए मैं फ्लैक्स सीड डाल रही हूँ, इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने वीडियो में ओट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि ओट्स का हिंदी नाम है जई। जई अधिकतर फाइबर वाला अनाज होता है। ओट्स के पौधे का इस्तेमाल करके होम्योपैथिक में एवीना सेटिवा मदर टिंचर नाम की एक दवाई बनाई जाती है, और यह दवाई अनेक रोगों पर काम करती है, जैसे सर दर्द, थकान, पीरियड्स में दर्द, नींद ना आना,
थकान में रहना और अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो उन सभी पर काम करती है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में ओट्स को ज़रूर ऐड करिए, ओट्स ऐड करिए, पालक यूज़ करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड करके बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ढूंढ के लाना आप लोगों के लिए, जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत ही ईजी से जी पाएँ, प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी इस तवे पे कोकोनट ऑयल का यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल भी बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप सारे ऑयल को छोड़ के अपनी लाइफ में कोकोनट ऑयल को यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल थायराइड वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए कि कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी में जाके फैट में नहीं बदलता है, ये जाके तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, हमारे वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही लो अमाउंट में ले रही हूँ मैं कोकोनट ऑयल। आप इसे दाल में भी डाल के खा सकते हैं, इसके पराठे भी खा सकते हैं। और उसके बाद इस मिक्सचर को मैं इस तवे पे डालूँगी चिल्ला बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुलायम होता है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आप इसे पलटेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले आप इसे तेज आंच में पकाइए, उसके बाद आपको इसे धीरे फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है। तो अपनी लाइफ में कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, पालक यूज़ करिए, ओट्स यूज़ करिए, ये सब आपकी बॉडी को बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो ये देखिए मेरा चिल्ला है, मैं अब इसे धीरे आंच पे धीरे धीरे सेक रही हूँ। तो आप इसे 3-4 ईजली खा सकते हैं। और ये फाइबर होने के कारण आपके पेट को बिल्कुल भी भारी नहीं करेगा और आपके